पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा पवन सिंह को। भले ही हम लोग कहते होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी भी जो है बहुत नीचे है, भले जितने नीचे क्यों ना, पवन सिंह का जो रुतबा है ना वो बहुत आगे, वो पावर स्टार ऐसे ही नहीं है यार, बहुत पावर है उसके में। हम भी सोच रहे थे कि शायद उतना नहीं होगा, वैसे हम भी पवन सिंह के गाने देखते हैं, रहते हैं छत्तीसगढ़ में, बट पवन सिंह के गाने लोग अभी भी देखते हैं। जैसे उनका कोयले बा कमाल, लाल घगरा, उससे पहले रात दिया, फिर उससे पहले रानी हम ओवर, ये सब गाना लोग अभी भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो अभी भी उनके गाना देखते हैं। एज ए सिंगर हमको अच्छे लगते हैं, उनके गाने लोग अच्छा है, परफॉर्म किया तेल लेने वो गाने के हिसाब से परफॉर्म अच्छे करते हैं, बट इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग होगा सोचा नहीं था। अभी हाल ही में एक हिंदी मूवी आई थी स्त्री 2, जिसमें पवन सिंह का एक गाना था। सबका मानना है कि गाने की वजह से पिक्चर जो है इतना ज़्यादा चल रहा है, पिक्चर में दम है, लेकिन वो एक गाना जो बूस्ट कर रहा है, गाना मूवी को उठा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है यार। इससे पता चलता है कि पवन सिंह का क्रेज क्या है पूरे इंडिया में। ऐसे तो अब शुभंकर मिश्रा के साथ अभी हाल ही में उनका जो इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने बता दिया कि उनके अंदर कितना पावर है, 2 घंटे का इंटरव्यू और पब्लिक लाइव देख रही है, कम से कम 80,000 लोग, 4,80,000 कुछ लोग जो लाइव देख रहे हैं। साला आज के डेट में कोई पिक्चर नहीं देखता यार 2 घंटे का, और उनका इंटरव्यू लोग लाइव देख रहे हैं। वो लाइव तो ठीक था, उसके बाद जो पॉडकास्ट हुआ उसे अब तक 4 मिलियन लोगों ने देख लिया होगा, शायद 1 हफ्ता हुआ होगा। अब ऊपर से कमेंट लोग पे आ रहा है कि कोई यादव है तो भी फॉलो कर रहे, जैसे बिहार में ऐसा मानना है कि यादव लोग खेसारी को पसंद करते हैं, बट ऐसे नहीं है। कमेंट में ऐसा रहा है कि कोई लिख रहा है कि हम यादव हैं लेकिन हम पवन सिंह के फ़ैन हैं, कोई राजस्थान से बोल रहा है कि हम राजस्थान से हैं लेकिन पवन सिंह के फ़ैन हैं और इन्हीं की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 भी आए, और कमेंट बॉक्स में शुभंकर मिश्रा जी के उसमें पॉडकास्ट में। और कई लोग तो ये बोलते हैं भाई कि पवन सिंह का ये वीडियो हमने बिना स्किप किए देखा पूरा 2 घंटा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का पॉडकास्ट को लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार करें। इससे पता चलता है कि उनका क्रेज क्या है बिहार में। गाने तो सभी सुनते हैं, ऐसे उनके गाने लोग तो मिलियंस के ऊपर ही जाते हैं, कुछ हिंदी गाने से भी ज़्यादा उनके गाने जाते हैं। और अभी जो गाना आया ना कट्टी रात सारी आई, ये गाना हम डेली सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। अब वो पवन सिंह का वॉइस ही सब उस टाइप का यूनिक है जो लगता है, तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो रियलिटी है वो हम बता रहे हैं। और लोग बोलते होंगे कि शायद व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो कुछ हद तक वही है, बाकी जो रियलिटी वो भी बता रहे हैं। ऐसा भोजपुर में हम फिल्म अगर देखते हैं तो सिर्फ निरहुआ का देखते थे, अब नहीं देखते, उसका ओवर हिट नहीं लगता है। बाकी पवन सिंह का पिक्चर भी नहीं देखे ना ही खेसारी का देखते हैं। गाना सुनते अच्छा लगता है, खेसारी का उतना वो नहीं है, चलता है, बट पवन सिंह उससे थोड़ा अपर लेवल गया, मतलब बहुत ज़्यादा। उसका जिस तरीके से उसके जो नाम मिला पावर स्टार, वो हकदार है यार उस नाम का, ऐसे ही नहीं मिला। पब्लिक उसको चाहती है, बहुत प्यार करती है उसके, बिहार की पब्लिक, बंदे में दम है, वो सही में पावर स्टार है।